हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में बात करने वाले शुगर स्टॉक आज क्यों इतने भागे हैं, क्या इनके पीछे रीज़न था। और आप यहां देख सकते हैं आज अपना जो हेडलाइन है वही है, वाई शुगर स्टॉक आर ऑन फायर। तो इसका रीज़न यहां पर देखेंगे अपन। और सबसे पहले हम देख रहे थे कौन कौन से शुगर स्टॉक यहाँ पर बढ़े हैं आज। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके है, जो सिर आज के दिन यहाँ पर देखेंगे आप तो 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है इसमें। वहीं पिछले 5 दिनों की बात की तो 5 दिनों में इसने 7% की तेज़ी दिखाई है। और एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में इस शेयर ने 22% का यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीनों में भी इसने शेयर ने 74% के ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। तो ये शुगर स्टॉक की रैली थी इसमें। और दूसरा स्टॉक जो अपन देखेंगे वो है द्वारिकेश शुगर करके। द्वारिकेश शुगर भी आज के दिन आप देखेंगे यहाँ पर 6% से ऊपर था ये। और इसका अगर 5 दिनों का चार्ट देखें तो 5 दिनों में भी ये 13% से ऊपर है, आप देख सकते हैं अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है यहाँ पर। और एक मंथ में 44%, आप यहाँ देख सकते हैं टाटा अडानी की तरह ये शेयर भी भाग रहा है। अडानी के शेयर जिस तरह ग्रो कर रहे हैं इसी टाइप से आप देखेंगे यहाँ पर, तो शुगर स्टॉक भी यहाँ पर तेज़ी से भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। और 6 महीने में देखेंगे तो 88% का रिटर्न इसने भी दिया है द्वारिकेश शुगर ने। इसके बाद अपन बात करें जो अगला जो अपना शेयर है वो देखेंगे यहाँ पर धर्मपुर शुगर मिल करके। धर्मपुर शुगर मिल आज के दिन तो यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली इसमें, 1.5% ऊपर था। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर बीच में दोपहर में तो ये शेयर अच्छा खासा ऊपर था, बाद में ये थोड़ा डाउनफॉल किया इस शेयर ने। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 दिन के रिटर्न, तो 5 दिन में इसने 7% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर आप इसका 1 महीने में देखेंगे तो 1 महीने में भी इसका शेयर ने 38% के यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शेयर सभी बढ़ रहे हैं यहाँ पर शुगर स्टॉक के। इसके अलावा एक और शेयर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है डालमिया शुगर मिल करके। ये भी एक शुगर मिल है और आज के दिन में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली 6% की, आप देख सकते हैं 6.44% ये शेयर बढ़ा है आज के दिन। और वहीं 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में 8% से ऊपर है ये। और 1 महीने में देखें तो 1 महीने में ये 27% से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है इसमें। वहीं अगर अपन 6 महीने का देखेंगे तो 6 महीनों में ये थोड़ा डाउन में है यहाँ पर, ओनली 18% रिटर्न है। लेकिन पिछले अब 4-5 महीनों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है इन सब शेयर में। अब इन सब शेयर के भागने के पीछे रीज़न क्या है, ये रीज़न बहुत ही सिंपल है। और इन पीछे गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, और क्या न्यूज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप चलते हैं तो। और सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्टॉक शुगर स्टॉक आर स्काई रोटिंग ड्यू टू द मेजर रीजन। फर्स्ट जो रीजन इसका राइजिंग कमोडिटी प्राइजेस एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इथेनॉल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से शेयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा जो है शुगर का जो प्राइस है वो भी पिछले कुछ दिनों में अपने को तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इन पर कल मार्केट में न्यूज़ भी थी कि आने वाले टाइम में शुगर के प्राइस हाई रहने वाले हैं काफ़ी, जिसकी वजह से शुगर स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इथेनॉल पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, ओपन देखेंगे यहाँ पर जो इथेनॉल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की। तो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इससे गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया यहाँ पर कि पहले जो इथेनॉल का यूज़ होता था वो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होता था वो 7-8% होता था, लेकिन अभी जो है 20% के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से 7-8% से 20% आप यहाँ देख सकते कितना यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, जिसकी वजह से ये शेयर अच्छे खासे तेज़ी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद बात करें अपन तो शुगर के प्राइस यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं। कल परसों मार्केट में न्यूज़ थी कि शुगर के प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कमेंट्री कर रहे हैं सौरभ जैन की कमेंट्री है, जो वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च, वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च एट SMC ग्लोबल सिक्योरिटी। तो उनका जो कहना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो रीज़न बताए उन्होंने। एक तो क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इथेनॉल की पॉलिसी यहाँ पर चेंज की है, जिसकी वजह से शेयर तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके चलते क्या हो गया कि शुगर स्टॉक में दो चीज़ों से तेज़ी देखने को मिल रही है, एक तो इनके शुगर के प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, और एक इथेनॉल जो है इसका प्राइस भी इनको मिलने वाला है। तो इसकी वजह से आप यहाँ देखते हैं शुगर प्राइजेस इज ऑल्सो गोन हाई एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन हायर साइड इन द नियर टर्म। तो शुगर के प्राइस बढ़े हैं और आने वाले टाइम में भी ऊपर रहने वाले, जिसकी वजह से शुगर स्टॉक शुगर कंपनी के पास जो शुगर का स्टॉक रख रखा है उसका यहाँ पर इनको अच्छा प्राइस मिलेगा, जिसकी वजह से शेयर यहाँ पर बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इनके इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पॉलिसी उसमें इनको भी प्रॉफिट मिलने वाला, क्योंकि शुगर स्टॉक जब शुगर बनाती है तो उसमें इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, तो इथेनॉल का भी इनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बात करें दलाल स्ट्रीट में जो है इसका हाईली बुलिश है शुगर स्टॉक में,
और यही दो रीज़न है कि जिसकी वजह से शुगर स्टॉक यहाँ पर भागने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में भी शुगर स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और तो आप भी इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने जिस भी शुगर स्टॉक में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके फाइनेंशियल जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो यही था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।